उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने दो सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये दो सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे, शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में। इंद्रजीत से हमारे तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? लकीरें बहुत अजीब होती हैं। खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। प्यार अंधा होता है और प्यार में पढ़ने वाले उससे बड़े हंदे होते। अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। चलो ड्राइवर। इसकी माँ का एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से? बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा समझी। नाते क्यों नहीं तुम? सवाई गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे गंजड़ियों? कॉइमटल ड्रॉप ऑफ पैकेज फॉर अ क्लाइंट। तो लाश को मैंने ना कस के बांध दिया, अभी कितना ही फास्ट चलाओ हिलेगी डुलेगी नहीं। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। अरुण ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, चूतिया आशिकी के चक्कर में मर गया और लौंडिया भी नहीं मिली। ओह शिट। जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है, नहीं सही या गलत में सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाए या ईमान। अब ईमान तेरे का बिगाड़ो जो तुम आगो बंदूक के बढ़ते मारो है? हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बाटते मारो। गलती है माँ। देख देख, एक गोली से ना मरूंगा मैं, जहन्नम पहले को मुझे जान दे।